पहले तो ये बात बताऊंगा, अभी जो सोशल मीडिया पे वो जो एक सर्कुलेट हुआ था, एक पोस्ट हुआ था, तो उसके हमने कॉग्निजेंस लेके पूरे शहर में हमने इंस्पेक्शंस किए, सैंपल्स उठाए, और पब्लिक को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑन टू इट है कि मतलब पूरा तह तक हम जा रहे हैं, और हमने जो सैंपल उठाए हैं वो है एनालिसिस के लिए भेजे हमने, और वी आर एक्सपेक्टिंग बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी और सब कुछ क्लियर हो सकता है इंशाल्लाह। तो प्रिलिमिनरीली कोई ऐसी जो एविडेंसेस है वो ग्राउंड लेवल पर तो नहीं मिली है, लेकिन टू क्लियर द डाउट्स हमने जो डीप एनालिसिस के लिए जो हमारी स्टेट की फूड लेबोरेटरी है हमारी, वहाँ पे हमने सैंपल्स भेजे हैं, उसकी एनालिसिस हो रही है हाई एंड इक्विपमेंट पे, ताकि सारा डाउट जो है वो ये क्लियर हो जाए, आगे इन दो दिनों में हो जाएगा क्लियर। लोग पैनिक है, क्या कुछ आप आश्वासन देना चाहते हैं लोगों को? नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब तक मेरे पास कोई एनालिसिस रिपोर्ट नहीं आएगा जो हमारी लेबोरेटरी से है, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको। तो प्रिलिमिनरी आप एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक इसको वाटरमेलन को कैसे हम देख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल राइपन है या इसको कोई चीज़ पंप किया गया हो। पहले तो ये चीज़ है कि वाटरमेलन आर्टिफिशियल राइपिंग नहीं होती है। हाँ, कलर इंड्यूशन हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग नहीं पॉसिबल है। इसका एक साइड जो है वाटरमेलन का, वो डीप येलो होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये हेवी फ्रूट होता है, ये ज़मीन पर उगता है, ज़मीन पर रेस्ट करके बड़ा हो जाता है, तो ये पीछे वाला जो उसका एक हिस्सा होता है वो रोशनी से परे रहता है, तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है येलो का। जितना येलो ज़्यादा होगा तो उतना मेरे ख्याल में ये जो है अंदर वाला जो पल्प है वो पका होगा, मतलब वो कच्चा नहीं होगा, सो वो मैच्योर होगा, और उसकी जो कटिंग की होगी वो मैच्योरिटी पे की होगी। हाँ, अब कोई अगर छोटा वोटा होता है जिसको इमैच्योरली जो काटा जा सकता है, तो उसका स्टीरिंग जो पीछे है वो कम होता है, लेकिन वो अंदर से फिर कलरफुल नहीं और मैच्योर नहीं निकलेगा। तथा बना चाहिए स्वास्थ्य ने पोप के स्वास्थ्य कोच पहमत, ये हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द यू नो फिजिकली ऑब्जर्वेशन है, लेकिन जो एनालिसिस है वो दूसरी चीज़ है, वो पल्प का एनालिसिस करते हैं, उसमें कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू तो नहीं है, कलरिंग एजेंट तो नहीं डाला गया है, उसकी तजजी के लिए, उसको क्लियर डाउट करने के लिए, जो है डाउटफुल सिचुएशन है उसको क्लियर करने के लिए हमने ये जो है अपनी लेबॉरेटरी को जो हमारी फुली इक्विप्ड है, हाई एंड इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, उसको वहाँ पे एनालिसिस के लिए भेजा है, और विद इन वेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। ताजरों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं इस वक्त के ताजर जो नुकसान है वो तो इसलिए है कि देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर, लेट दिस कंफ्यूजन गेट क्लियर, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सर।